आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जिसको प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर और देश को जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद संबोधित किया तब एक वादा किया था कि धारा 370 और 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। ये नई जो औद्योगिक नीति केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसका आज इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इसे उद्योग जगत को मिलेंगे, मगर मैं स्पष्टता करता हूं ये अनुमानित लाभ है। पीयूष भाई के सारे अनुमान गलत पड़ने वाले हैं, ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। देश भर की औद्योगिक नीतियों को एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर और वहां के पोर्टल पर जो कंप्लेन्स थे, जो इसके कंप्लेन्स का स्टडी कर जितनी भी क्षति थी और सारी क्षतियों को पहले से ही दूर कर ये औद्योगिक नीति को बनाया गया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के अंदर औद्योगिक विकास के लिए एक अच्छे वातावरण की निर्मिति और दुनिया के साथ स्पर्धा करने वाली पॉलिसी, ये मोदी जी की सरकार बनी तब से भारत के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं, परंतु इसका फायदा जम्मू कश्मीर तक नहीं पहुंचता था। जम्मू कश्मीर के युवाओं को आज भी रोजगारी के लिए सरकारी उपक्रमों पर आधारित रहना पड़ता था क्योंकि वहां पर कोई न कोई कारणों से इंडस्ट्री ज्यादा नहीं लगी थी। सबसे बड़ी इसमें अगर कोई हर्डल था तो धारा 370 और 35A था। 5 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को निरस्त करने के बाद एक खुला वातावरण हुआ और इसके कारण रोजगारी की ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज जम्मू कश्मीर के लिए निर्मित हुई और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट कर वो अपना तो फायदा करेंगे ही, परंतु जम्मू कश्मीर के विकास के अंदर योगदान भी देना चाहते हैं और वो सबके लिए एक ऐसी नीति चाहिए थी जो उनको स्पर्धा के अंदर टिकाए रखे। हम सब जानते हैं कि दूर दराज क्षेत्र है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, नई एक वातावरण के अंदर काम करना है। अब इस सब का रिस्क फैक्टर कोई भी व्यापारी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट गिनेगा वो बहुत स्वाभाविक है, मगर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने सभी चीजों का निराकरण एक साथ दे दिया है। जीएसटी में 300% तक का रिफंड, प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट का 300% रिफंड और 10 साल की अवधि तक, मैं मानता हूं देश में सबसे आकर्षक औद्योगिक पॉलिसी कहीं पर है तो यहीं पर है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए पूंजीगत ब्याज के लिए भी सहायता का प्रावधान अंदर किया है, वर्किंग कैपिटल के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी का भी प्रोविजन अलग अलग क्षेत्र से 5 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक के अलग अलग प्रोविजन किए हैं। ये सबको देखा तो चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे नए परिवेश में काम करने का कोई हिडन कॉस्ट भी सामने आता है, तो इस सबको कर भी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत फायदे वाली पॉलिसी बनने वाली है। मित्रों, मैं मानता हूं कई जम्मू कश्मीर में आज उद्योग चला रहे हैं वो लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए क्या, उनके लिए भी इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं, ब्याज की सब्सिडी है, उनको रिवाइव करने का पैकेज भी है, परंतु एक एटमोस्फियर जो बनेगा, एक वातावरण जो बनेगा, इससे
बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री भी आएगी और उनकी इंडस्ट्री को भी एंसिलरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का बहुत बड़ा मौका उनको मिलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी ढेर सारे इसके अंदर प्रावधान ऐसे हैं जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे एलजी हमारे मनोज सिन्हा जी ने कहा, लाखों लोगों को, लाखों युवाओं को इससे रोजगारी मिलना सुनिश्चित है। और जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्री अब आईटी भी हो सकती है, शिक्षा के लिए बहुत आकर्षक जगह बन सकती है। ढेर सारी ऐसी संभावनाएं पड़ी है जिससे मैं मानता हूं कि ये पॉलिसी जिसको आगे बढ़ाए, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल बना है वो इंटरेक्टिव है, इससे आपको व्यक्ति की जगह सीधा डॉक्यूमेंट और बाकी सारी आपकी चीजें आप पोर्टल पर ही डाल सकते हो और तुरंत ही इसको रिस्पॉन्ड भी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा, क्योंकि वहां पर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए गए, ढेर सारी सुविधाएं अब सिंगल विंडो कर दी गई है, ढेर सारी व्यवस्थाओं को चैनलाइज किया गया है और खुद मनोज सिन्हा जी इसको हर 15 दिन में एक बार मॉनिटर भी करते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वालों दिनों में मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर के समग्रता से जो विकास हुआ है इसके लिए भी मैं आप सबको बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी उद्योग वहां पर जाकर अकेला अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता। इको इफेक्ट, एक इको इफेक्ट अगर इसकी मदद नहीं करती है, विकास का एक वातावरण तैयार करने का काम ऑलरेडी 1919 से लेकर आज तक हो चुका है। लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने जो 80,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया था, इसमें 54 में से 17 योजनाएं 100% पूरी हो चुकी है। लगभग 58,627 करोड़ रुपए की 54 परियोजनाएं जिसका काम चालू हो चुका है और 96% धनराशि यहां से भारत सरकार ने डिस्बर्स कर दी है। आपको आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर जैसे छोटे से सूबे के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, पहले 3 ही थे, ये 2 साल के अंदर 7 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए, 5 नए नर्सिंग कॉलेजों को स्वीकृति दे दी गई है और सीटों की संख्या, मेडिकल सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 900 तक, लगभग 2 गुना तक ले जाने का काम जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है, भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ढेर सारी पनबिजली परियोजनाएं जिसके फायदे जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो होंगे ही होंगे, परंतु बिजली की उपलब्धता भी इंडस्ट्री को बहुत ढंग से कर पाएगी। लगभग 9,167 करोड़ रुपए की 196 मेगावाट की पनबिजली योजना लगभग 31,380 हेक्टेयर भूमि को सिंचित भी करेगी। अब ये जो कृषि का विकास होगा वो उसकी परचेज कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वहां के अर्थतंत्र में जान डालेगा, जो उद्योग के लिए बहुत बड़ी जरूरी चीज है। किश्तवाड़ जिले में 1000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना, जम्मू और कश्मीर में लगभग 8,120 करोड़ रुपए की पनबिजली परियोजना है, इसको भी दिसंबर 2024 तक हमने पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इसमें 3330 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है। लगभग 4,287 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर 24 तक पूरी होने वाली 624 मेगावाट की क्षमता की किरुएचई परियोजना भी निर्माणाधीन है और ये समयबद्ध तरीके से पूरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। वन रेशन कार्ड जम्मू कश्मीर ने रोल आउट कर दिया है। डल झील के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का भी बहुत बड़ा काम हाथ में लिया गया है और कुछ योजनाएं ऐसी है जो भारत सरकार की, जिसमें 100% अचीवमेंट लिया है, जैसे उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, खाद्य ग्रेडिंग सब्सिडी योजना, 100% लक्ष्य हमने पूरा कर दिया। आज हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ पास अपना बैंक अकाउंट है, हर जम्मू कश्मीर के घर के अंदर गैस का सिलेंडर है और हर जम्मू कश्मीर के घर के अंदर
बिजली पहुंचाने का काम भी सौभाग्य योजना के तहत पहुंच गया। मैं इसलिए बताता हूं कि जब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर आता है तो उसकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ती है, जो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट खड़ा करती है। जब घर में बिजली आती है तो स्कूटर लाने का विचार आता है, जब घर में बिजली आती है तो एसी लाने का विचार आता है, जब बिजली आती है तो वॉशिंग मशीन लाने का विचार आता है, बिजली आती है तो अच्छे स्वास्थ्य उपकरण लाने का भी विचार होता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश के लिए लाए हैं, जिसमें हर घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना 2022 के पहले। मैं देश की जनता को और मेरे साथ जुड़े हुए उद्योग जगत के सभी लोगों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 15 अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर सरकार ये पूरा लक्ष्य पूरा कर देगी। और जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जी है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति हो वो सेहत स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकता है। हेल्थ क्षेत्र में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर परिवार के पास 5 लाख रुपए का पेइंग कैपेसिटी सरकार ने ही जनरेट कर दिया है, 5 लाख हर परिवार का, और लगभग 94,990 लोग आज तक इसका फायदा ले चुके हैं और उनका पेमेंट भी हो चुका है। तो हेल्थ क्षेत्र में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनके लिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं अर्बन की बात करता हूं, 56,000 नए घर बनाए जा रहे हैं। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर जैसे कम अर्बन एरिया वाले राज्य के अंदर 56,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाए, उसमें से 10,500 घर बनाकर उनको दे दिए गए हैं। जो बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ा है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण जम्मू कश्मीर के विकास में क्या फर्क पड़ा है। ग्रामीण के तहत लगभग 1,36,722 घरों की स्वीकृति कर दी, 1,36,722 लोग घर के बगैर, छत के बगैर रहते थे, आजादी के 70 साल के बाद वो सभी को घर की स्वीकृति दे दी है और उसमें से 47,323 लोगों को घर देने का काम समाप्त। जो पूछना चाहते हैं क्या फर्क पड़ गया, उनको मैं बताना चाहता हूं, एक फर्क पड़ गया, 70 साल में आपने लगभग 2,20,000 लोगों को घर भी नहीं दे पाए थे, 2,20,000 लोगों को शौचालय नहीं दे पाए थे, 2,20,000 परिवारों को आप बिजली नहीं दे पाए थे, 2,20,000 से ज्यादा परिवार पूरे जम्मू कश्मीर को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 1-2-3 साल के समय के अंदर इस सभी चीजों को पूरा किया है।